अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिज़ाइन इंपोर्ट किया था, सेटअप किया था अल्स्ट्रा फ्री को इंस्टॉल करके, और वो जो टेम्पलेट हमने सेटअप की थी अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको किस तरह से एडिट करना है, उसके अंदर अल्टरेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से उनको एक्सेस करना है, और किस तरह से इमेजेस को चेंज करना है, किस तरह से टेक्स्ट को चेंज करना है, बटन्स को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इस चीज़ को मज़ीद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन सेटअप कर लिया था, और यहाँ पे हम देखें हमारे पास डिफरेंट जो है सर्विसेज के पेजेस हैं। तो अब मैं इसको बेसिक से आपको आइडिया दूंगा कि किस तरह से आप टेक्स्ट वगैरह को और इमेजेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं एक दफ़ा डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं इस पूरे डिज़ाइन के अंदर अपनी सारी चीज़ें ऐड करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि एडिट विद एलिमेंट, राइट। आप किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर, मतलब इस स्पेसिफिक पेज को आप एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं, राइट। जैसे ये कॉन्टैक्ट अस पेज है, ये है, तो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर आ गया। कोई भी पेज आपने एडिट करना है, किसी भी पेज में ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, ये चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, या कुछ भी चेंज करना है, तो आप एडिट विद एलिमेंटर से करेंगे, राइट। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये लोगो, इसको कहाँ से चेंज करेंगे, तो वो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, वो आता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर या कस्टमाइज के अंदर, राइट। इन दोनों ऑप्शंस को अभी के लिए हम देखेंगे, और यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ें आपको चेंज करनी है तो ये भी आपको कस्टमाइज से ही चेंज होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं एडिट विद एलिमेंटर, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसको यूज़ करते हुए आप चीज़ों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपल एडिट विद एलिमेंटर, ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटर पे करना है जो भी पेज आप एडिट करना चाह रहे हो। तो मैंने होम पेज को एडिट किया सिंपल कुछ इस तरह से, तो इनको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इमेज है, ये टेक्स्ट है, और हमने इसको एडिटिंग मोड के अंदर डाल दिया है एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। तो देखिए इस पर मैं जैसे हर आइटम के साथ एक छोटा सा पेंसिल का बटन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उस पेंसिल के बटन को ऐड करेंगे, राइट, उससे हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पर देखें ये ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, कॉन्टेंट, स्टाइल एंड एडवांस। अब इसका अगर कंटेंट चेंज करना है तो ये पहले टैब के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है, किस तरह से सेटअप करना है, इसका कंटेंट चेंज करना है। द कंप्लीट अल्स्ट्रा थीम डिज़ाइन, ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको चेंज कर सकते हैं आप, राइट। अब लेट्स सपोज मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, ये सारी चीज़ें, तो मैं इसी पे एडिट करके यहाँ पे स्टाइल के अंदर आ जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे इसका कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे ब्लू चाहिए कुछ इस तरह का, तो ये देखें वो मैंने इस तरह से चेंज कर लिया। इसी तरह से टाइपोग्राफी के अंदर ये देखें फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, जैसे इस तरह से का कुछ फॉन्ट या जो भी फॉन्ट मुझे चेंज करना है वो मैं इस तरह से चेंज कर लूँगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी सारे जो डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आपने एडिट करना है, बाकी आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि किसी भी कॉन्टेंट चेंज करना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, और स्टाइल चेंज करना तो ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज जहाँ पे भी आ रही है, अब ये देखें फ्रंट एंड इमेज है तो इस पर वो नज़र आ रहा है हमारे पास पेंसिल का आइकन, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें इमेज आ गई, इस इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से जो इमेज है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं इमेज़, इनको हम यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी अटैच है, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल, और यहाँ पर देखें मुझे उस तरह की इमेज शो हो जाएंगी, मैं यहाँ से ऑनलाइन डायरेक्ट डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लोड होगी, लोड होने के बाद वो इमेज जो है वो वहाँ पे सेटअप हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ लाइब्रेरी से ही चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने ये वाली इमेज चूज़ की, तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से शो हो रही है, लेकिन मुझे उसी डायमेंशन में चूज़ करनी है, अभी के लिए मैं उसी को वैसे ही रहने देता हूँ।
लेकिन कुछ इमेजेस हैं जैसे ये बैकग्राउंड। अब इसको हम किस तरह से एडिट करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये थ्री डॉट्स जो हैं ये पूरा सेक्शन है। इस थ्री डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इस पूरे सेक्शन की सेटिंग्स आ चुकी हैं। और यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे सेट हुआ पड़ा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, तो ये देखें ये चेंज हो गया। और चेंज करने के बाद मैं इसको जब अपडेट करूँगा और अब मैं अपनी वेबसाइट को देखूंगा तो जो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो मेरी वेबसाइट पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कलर चेंज किया था, बैकग्राउंड इमेज चेंज किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखें किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आइकन सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। बट देखें ये वाले जो चीज़ें हैं ना ये एडिटिंग में आपको शो नहीं हो रही या आप इनको एडिट नहीं कर पा रहे, तो इसको हम क्या करेंगे, कस्टमाइज वाले ऑप्शन से चेंज करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये दो ऑप्शन है। तो अब जैसे मैंने होम पेज चेंज किया तो इसी तरह मुझे अब अबाउट अस को एडिट करना है, तो सिंपल मैं अबाउट अस पे जाऊंगा और यहाँ से देखें एडिट विद एलिमेंटर में इसको एडिटर मोड में जाऊंगा, जो चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो मैं चेंज करूंगा। और इसी तरह से यहाँ पे देखें मुझे अब यहाँ पे सिर्फ तीन बॉक्सेस ही चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे देखें ये पूरा बॉक्स डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एक बॉक्स आ गया। अब मुझे यहाँ पे तीन के बजाय दो बॉक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखें इस पे राइट क्लिक करूँगा, इस कॉलम पे और डिलीट करूँगा, तो यहाँ पे देखें दो बॉक्स चाहिए। अब ये मुझे इनको मतलब चार चाहिए मुझे इस स्टाइल के अंदर, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा और यहाँ पे देखें चार आ गए। अब इनको आपने चेंज करना है, इसके आइकन्स कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखें राइट, तो इस तरह से आप इसे प्ले अराउंड कर सकते हैं और ये बेसिक सी चीज़ें आप इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट हो गए, इसको मैं अपडेट करूँगा तो अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी पेज आपने डिज़ाइन करना है, एडिट करना है, उसकी इमेजेस चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, जो चीज़ें आपको उसमें से नहीं चाहिए वो डिलीट करनी है, जो चीज़ें चाहिए वो रखनी है या और चीज़ें ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए किस तरह से यूज़ करेंगे, राइट। बेसिक से अगर एलिमेंटर के अबाउट आपने कंप्लीट सीखना पूरा ए टू जी, तो मैंने इसी तरह से एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आप कंप्लीट वर्डप्रेस सीख जाएंगे, उससे किसी भी तरह की सर्विसेज दे पाएंगे वर्डप्रेस की इंशाल्लाह, राइट। वो चैनल के ऊपर कंप्लीट कोर्स मौजूद है। चले बैक टू द कोर्स आते हैं हम, राइट। तो ये हो गया पहला ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन, इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज़ के अंदर, तो सिंपल मैं इस पर कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँगा। कस्टमाइज़ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ें तो आप एडिट कर पा रहे थे, ठीक है, पूरी एडिट विद एलिमेंटर से, बट ये हेडर वाली और ये फुटर वाली चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें अगर मुझे ये लोगो चेंज करना है, तो देखें इसके ऊपर पेंसिल का आइकन आ रहा है, सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया, चेंज लोगो के साथ मुझे जो भी लोगो चाहिए वो मैं यहाँ से चूज कर लूँगा, कुछ इस तरह से जो भी लोगो मुझे चाहिए। आप अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे चूज लोगो किया आपने, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपना लोगो। ठीक है, अभी के देख लें यहाँ पे वो लोगो लग चुका है, बट मैं इसको बैक उसी तरह से जो इसका ओरिजिनल लोगो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको उसी तरह से रहने दूंगा। जस्ट आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से अपने लोगो चेंज करना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखें ये वाला बटन चेंज करना है, इसके ऊपर लिंक लगाना है कि ये कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, कौन से पेज पे हो। अब लेट्स सपोज मुझे क्लिक करवाने का, कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो वो कॉन्टैक्ट अस पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टैक्ट अस है इसके ऊपर जाता हूँ और इसका URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस बटन का वो लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस नाउ। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखें इसी तरह से टेक्स्ट चेंज हो गया। अब इसी तरह से ये है बॉटम हमारे पास, इस बॉटम पे हम क्लिक करेंगे तो देखें बॉटम की सारी सेटिंग्स शो हो गई हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये उसी ऑर्डर से ये सारी सेटिंग्स हुई पड़ी हैं। अब आपको ये वाली चीज़ें चेंज करनी है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, गॉट इट, और यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये लोगो एडिट है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये आप आइकन्स ऐड करके यहाँ पे URLs लगा सकते हैं, जो सोशल मीडिया आपको नहीं चाहिए उसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसके अंदर जो भी चीज़ें उनको ऐड या डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर ये जैसे इसको मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे देखें करंट साइड पावर्ड बाय, इसको मिटा के कुछ भी अपना लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ
Carl writes freezer. ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये चेंज हो गया उसी तरह से, तो इसको मैं फिर यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। मतलब ये जो सेटिंग्स जो मैंने की हैं वो सेव हो गई हैं इस तरह से जैसे मैंने सेटिंग्स की हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे इन मेन्यूज़ का कलर चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है, जनरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी हाइट और विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, अभी के लिए मैं इसको वैसे ही रहने दूँगा। और यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन, अब यहाँ पे देखें इनका जो कलर है वो ये है डिवाइडर, और यहाँ पे मैं इनका क्या करूँगा बॉर्डर कलर, मेन्यू लिंक कलर, तो यहाँ पे देखें इनके मैं जो लिंक्स है वो चेंज कर सकता हूँ। आई डोंट नो वाई राइट नाउ इसके जो देखें यहाँ पे, तो मैं इस तरह से जो भी मुझे लिंक्स चाहिए होंगे, जो भी कलर्स चाहिए होंगे, जो भी डिज़ाइनिंग की सेटअप होगा वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और जो भी स्पेसिंग देनी होगी इनके दरमियान वो सारे ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे देखें ये मेन्यू का जो फॉन्ट है वो चेंज करना है तो मैं यहाँ से देखें कुछ इस तरह का फॉन्ट चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कोई और फॉन्ट आ गया। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। राइट, अभी के लिए मैं इसको वापस उधर ही ले जाता हूँ। इसका जो साइज़ है वो इस तरह कैपिटल में करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट का साइज़ इस तरह से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और ठीक है जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जितना था उतना ही रहने दूँगा जो कि अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक सी सेटिंग्स हैं, आपको समझ आई होगी कि किस तरह से इम्पोर्ट करके उसको एडिट करना है एलिमेंटर को यूज़ करते हुए और कस्टमाइज को यूज़ करते हुए। आगे चल के भी जब हम और ऑप्शंस देखेंगे और प्रोजेक्ट्स करेंगे इस पूरे सीरीज़ के अंदर, किस तरह से ब्लॉग बनाना है, बिजनेस वेबसाइट कंप्लीट बना के दिखाऊंगा, ई कॉमर्स, तो फिर मज़ीद और ऑप्शंस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से आप जो इम्पोर्टेड डिज़ाइन है उसको किस तरह से आप एडिट कर पाओगे अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके अंदर चीज़ें एडिशन या डिलीशन कर पाओगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आई होप आपको समझ आई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब करें।